एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाऊंगी केक। तो बच्चों की फरमाइश से केक है और आज मेरे घर में काफ़ी बच्चे आए हुए हैं। क्या है, मेरे घर के ही बच्चे हैं। तो मेरी देवरानी आई हुई है, देवर है, और उनकी दो बेटियां हैं। तो उनसे मैं मिलवाती हूँ आप लोगों को। और आओ आओ कि जल मिलवाते हेलो। तो ये है मेरी बेटिया रानी, एक और है छोटी। कायरा को भी बुला के चेक कराओ। मेरी ताई जी की वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। और कमेंट करके भी बताइएगा। थैंक यू। तो चलिए देखते हैं मैं केक कैसे बना रही हूँ। आज मैं केक माइक्रोवेव में बनाऊंगी। माइक्रोवेव में तो देखिए किस तरीके से बन रहा है। वैसे मेरा पहले वाला मेरा वीडियो आप लोगों ने, आटे से मैंने केक बनाया था, तो आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए मैं केक बनाती हूँ। आज बनेगा मैदा का केक। इन्हीं की फरमाइश है इसीलिए केक बना रहे हैं। इन्हीं की फरमाइश पे केक बन रहा है। ये देखो ये भी आ गई, ये आ गई कायरा। तो बोलो हाय। बोलो कायरा। हेलो। बोलो ताई जी के चैनल। बोलो कैसे हो सब लोग। बोलो लाइक करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। और नव्या दीदी कहाँ गई? उतर गई। चलो कोई बात नहीं, जाने दो, खेल उसे रहने दो, तबीयत ठीक नहीं है। तो चलिए केक देखिए। लो ये भी बोल रही है सिस्टर सो रही है। तो चलिए केक की रेसिपी आपको देखिए। तो केक बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कटोरी मैदा लिया है और ये एक कटोरी से थोड़ा सा कम है। मेरा ऑयल ले रखा है मैंने, रिफाइंड ऑयल है। और एक कटोरी दही लिया है और आधा चम्मच टीस्पून छोटा चम्मच है तो बेकिंग सोडा और खाने वाला सोडा है। और ये दूध लिया है मैंने और वनीला एसेंस लिया है और कोको पाउडर लिया है मैंने। तो चलिए फिर बनाते हैं, इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा बर्तन लिया है। तो पहले मैंने यहाँ मैदा ले लिया, मैदा डाल दूँगी। तो सभी चीज़ों को मैं धीरे धीरे करके एक साथ मिक्स करूँगी। और मैंने जो भी अभी आप लोगों को चीज़ें दिखाई थी उसमें मैं चीनी ऐड करना भूल गई थी। तो फिर मैंने बाद में चीनी भी पीस मिक्सी जार में पीस ली थी, उसको भूरा बना लेना है तभी इसमें मैं ऐड करूँगी। और ये देखिए किंजल है, ये मस्ती कर रही है यहाँ पे। और मैं इसे पूछ रही थी कि ये कैसा, कम इसमें डालूँ या ज़्यादा डालूँ, तो वही बोल रही थी कि उसको ज़्यादा कोको पाउडर पसंद है, तो उसी की पसंद के हिसाब से बना रही हूँ। तो बीच बीच में वही पूछ रही हूँ उसे। फिर मैं दूध इसमें धीरे धीरे करके ऐड करूँगी, क्योंकि एक बार की नहीं ऐड करूँगी वरना ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं अपने उसी हिसाब से अगर कम लगेगा तो या ज़्यादा लगे तो धीरे धीरे ऐड करना है। एक बार की डाल देंगे तो मैटर बहुत गीला हो जाएगा, फिर केक भी फूलने में दिक्कत होगी। तो ऐसे ही मैं इसका घोल इस तरीके से अच्छे से फेंटना भी है इसको। और आप चाहे तो इसे मिक्सी जार में या ग्राइंडर है तो आप उसमें भी इसको अच्छे से फेंट सकते हैं। तो जितना बढ़िया फेंटा रहेगा उतना ही बढ़िया से फूलेगा, ये स्पंजी बनेगा हमारा केक। तो बस इसको मैं अच्छे से तैयार कर लेती हूँ इसका बैटर।
तो मैं यहाँ जिसमें केक बनाना है मैं उसको अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। फिर मैं इस बैटर को उस बाउल में डाल दूंगी और इसको मैं थोड़ा सा डैप डैप कर दूंगी ताकि इसमें जो भी बबल्स हों तो वो निकल जाएं। कांच का है तो इसलिए मैंने नीचे कपड़ा लगा दिया ताकि ये टूटे ना। और मैंने माइक्रोवेव को भी फ्री हीट करने के लिए रख दिया था तो माइक्रोवेव मेरा फ्री हीट हो गया है। और फिर मैं इसको डायरेक्ट 10 मिनट के लिए लगा दूंगी और फिर उसके बाद मैं चेक करूंगी। बट क्या हुआ कि मेरा केक बन गया था तो मैंने ठंडा होने के लिए फिर मैं आगे वीडियो नहीं बना पाई थी। मैं भूल गई थी कि मैं केक की मुझे वीडियो पूरी शेयर करनी है और बच्चे खाने भी लग गए थे काट के, तो ये बचा था तो मुझे याद आया तो बस इतना ही बचा है। तो आप लोगों को यही वीडियो दिखा रही, तो देखिए कितना बढ़िया स्पंजी बना था केक। तो पूरी वीडियो पूरा केक नहीं दिखा पाई तो उसके लिए सॉरी। मेरे बच्चे हैं खा गए केक तो ये इतना बचा है तो दिखाती हूँ आप लोगों को। और बहुत अच्छा सॉफ्ट भी बना था, बहुत टेस्टी था। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बस आज के लिए इतना ही।